स्टाइल ऑफ लिविंग में हम बात करेंगे एक बहुत ही सुंदर अमेजिंग हाउस प्लांट की, इसका नाम है वॉन्डरिंग ज्यू। इसका जो बोटैनिकल नेम है वो है टेरेस्केंसिया ज़ेब्रिना, क्योंकि इसकी जो लीफ है उस पर सिल्वर कलर की और ये जो है बहुत ही सुंदर क्रीम कलर की सिल्वर कलर की लाइंस बनी हुई है जेब्रा की तरह, इसलिए इसको ज़ेब्रिना कहा जाता है। पहले इसको टेरेस्केंसिया पेंडुला भी कहा जाता था, लेकिन अब ये ज़ेब्रिना के नाम से ही जाना जाता है। देखिए ये इंच प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अगर हम इसका इतना सा इंच भर का भी टुकड़ा अगर पीस अगर हम सॉइल में लगा देते हैं तो ये वहीं पे रूटिंग करना और ग्रो करना शुरू कर देगा। इसे इन्वेजिव प्लांट भी कहते हैं, मतलब फैलने वाला। अगर हम इसको किसी भी सॉइल में लगा देते हैं तो ये वहीं पे फैलने लग जाता है और पूरे ग्राउंड को ये कवर कर सकता है, कवर कर लेता है। तो ये इन्वेजिव प्लांट के नाम से, इंच प्लांट के नाम से, वॉन्डरिंग जू के नाम से, टेरेस्केंसिया के नाम से, ज़ेब्रिना के नाम से, ये कई नामों से ये जाना जाता है। अब ये जो प्लांट है मैंने इसको सेमी शेड में रखा हुआ है। अगर हम इसको अलग अलग जगह पर प्लांट को रखते हैं तो ये हमें इसके लीफ के अलग अलग कलर हमें देखने को मिलेंगे। ये सेमी शेड में रखा है तो इसका कलर जो है लीफ का बहुत ही शाइनी फ्लेशी चमकदार और सिल्वर कलर की इस पे लाइंस बिल्कुल परफेक्टली दिख रही है। तो ये जो है सेमी शेड का कलर है लीफ का कलर। और ये जो है मैंने ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे 2-3 घंटे की धूप आती है, तो ये कलर जो है हमें दोनों तरफ से जो है पर्पल कलर दिख रहा है। ये वाला भी हैंगिंग बास्केट ऐसा ही है जहाँ पे 2-3 घंटे की धूप आती है तो वहां पर जो है इस तरह का कलर दिख रहा है। यहाँ पर भी देखिए ये इसमें ग्रीन कलर में भी जो है पर्पल कलर का रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो ये अगर धूप में रखते हैं 2-3 घंटे की तो ये हमें दोनों तरफ से पर्पल कलर दिखाई देगा लीफ का। अगर हम इसको घर के अंदर रखते हैं, मैंने इसको बॉटल में लगाया हुआ है, तो देखिए लीफ का कलर ग्रीन कलर हमें दिखाई देगा। और एक बास्केट की बास्केट है उसको भी मैंने घर के अंदर रखा हुआ है तो इसका भी कलर हमें देखिए लीफ का कलर ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है। तो ये क्यों होता है, जो लीफ का कलर है हमें अलग अलग कलर क्यों दिखाई देता है सेमी शेड में, डायरेक्ट सनलाइट में, या हमें घर के अंदर अलग अलग क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसमें एक पिगमेंट होता है, एक कलर होता है, इसका नाम होता है एंथोसायनिन। ये जो पिगमेंट होता है एंथोसायनिन, ये सूरज की रेड और ग्रीन ग्रीन और ब्लू लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है, और जो रेड लाइट होती है सन की सूरज की उसको ये रिफ्लेक्ट करता है। तो ये जो रिफ्लेक्ट करता है इसीलिए जो इसका कलर है वो हमें पर्पल कलर का दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही हम इसको घर में रखेंगे तो सूरज की जो है सनलाइट जो है वो आएगी नहीं, तो इसलिए लीफ का कलर हमें ग्रीन दिखाई देता है। और ये जो कलर है इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ है तो देखिए कितनी ज्यादा ये सूरज की रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए ये जो है ये हमें पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया, हम अलग अलग जगह पे इसको एक्सपेरिमेंट करके रखेंगे कि हमें ये कैसे कैसे कलर देता है। आप भी इसको इस प्लांट को जरूर लगाइए और इसको अलग अलग जगह पर रखिए तो आपको पता चलेगा इसके लीफ के कलर जो है बिल्कुल अलग अलग आपको अलग अलग जगह पर दिखाई देंगे। अब इसको सॉइल कैसी चाहिए, सॉइल इसकी जो है मॉइस्ट होनी चाहिए, ड्राई नहीं होनी चाहिए। जब ये ड्राई हो जाए तभी इसको आपने पानी देना है, मॉइस्ट रखनी है इसकी सॉइल। और किसी भी तरह की सॉइल में, ये तो वैसे ही हाउस प्लांट है और ये जो है फैलने वाला प्लांट है तो इसको सॉइल की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, किसी भी सॉइल में ये अच्छे से ग्रो कर जाता है। लेकिन अगर आपने हैंगिंग बास्केट में लगाना है तो आपको हल्की सॉइल बनानी पड़ेगी, जैसे जो हम कोकोपीट और सैंड और जो हमारी गार्डन सॉइल होती है उसको मिलाकर बनाते हैं, वैसी सॉइल बनाकर लगा सकते हैं ताकि बास्केट जो है आपकी हल्की बने। तो सॉइल की कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ज्यादा इसको फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं होती, ये वैसे ही जो है अच्छे से फैलने लग जाता है, किसी भी सॉइल में ये ग्रो करने लग जाता है। पानी हमने इसको तभी देना है जब इसकी सॉइल जो है बिल्कुल ड्राई हो जाए, नहीं तो इसकी जो ये स्टेम है, ये जो स्टेम होती है ये नीचे से यहाँ से जड़ों की तरफ से ये गलने लग जाती है और ये मिट्टी को छोड़ देती है। ये प्लांट तो फिर भी जिंदा ही रहता है, आपने देखा होगा कई बार अगर आपके पास में होगा या इसको आप लगाओगे तो अगर आपने ज्यादा पानी दे दिया तो ये नीचे से गल जाती है और ऊपर ये वैसे ही रहती है। तो नीचे का हिस्सा आपने तोड़ देना है और दोबारा से उसको गमले में लगा देना है।
अब इस प्लांट की हमने वॉन्डरिंग जो कि प्रूनिंग करना या इसको पिंच करना या इसको हमने जो है बीच बीच में प्रून करना या तोड़ना जरूरी होता है ताकि ये हमें हेल्दी लुक दे, ताकि बहुत ही हेल्दी प्लांट लगे। अब देखिए ये वाला प्लांट है, इस प्लांट से मैंने इतने सारे प्लांट बनाए हुए हैं, तो इसकी जो प्रूनिंग है बीच बीच में इसकी प्रूनिंग करना जरूरी होता है। इसको आपने तोड़ना है यहाँ से और दोबारा से यहाँ पर जहाँ पर भी जगह खाली है वहीं पे हमने लगा देना है। तो ये जो है इसकी अच्छे से ग्रोथ होती रहेगी और प्लांट जो है बहुत ही बूशी लगेगा और बहुत ही हेल्दी लगेगा। आप भी अपने गार्डन में अपने घर में इस प्लांट को जरूर जगह दीजिए। आपको कहीं भी ये प्लांट मिलता है तो आप इसकी छोटी सी ब्रांच भी लेकर आइए और इसको लगाइए। ये आपके घर की शोभा को बढ़ाएगा और आपके गार्डन की शोभा को बढ़ाएगा। बहुत ही सुंदर प्लांट है, बहुत ही सुंदर हाउस प्लांट है, आप इसको जरूर लगाइए। और ये जो इसका पिगमेंट है एंथोसायनिन, जिससे कि ये रेड कलर का दिखता है, पर्पल कलर का दिखता है, और इसके कमाल भी देखिए। अलग अलग जगह पे इसको प्लांट कर दीजिए, अलग अलग जगह पे इसको लगाइए रखिए और देखिए इसके लीफ के कलर आपको कैसे कैसे दिखाई देते हैं। क्योंकि ये जो एंथोसायनिन है ये प्रोटेक्शन का भी काम करता है, लीफ को जो है अम्ब्रेला की तरह, ये इसके जो सेल्स होते हैं लीफ के उसको ये प्रोटेक्शन देता है, अम्ब्रेला की तरह ये काम करता है, लीफ को प्रोटेक्शन देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं फिर आऊंगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।